हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और स्टॉक की बात करें तो हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमें बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक हमें ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इस स्टॉक के ऊपर डेप्थ है जो कि हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो है नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर कुछ ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आप लोग को लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो दोस्तों हम आप लोग से बात करें पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में मतलब आधे परसेंट का हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो हमें लगभग 450 पॉइंट का हमें करेक्शन देखने को मिला था। वहीं बात करें निफ्टी 50 की तो वहाँ पर भी हमें लगभग 100 पॉइंट से अबव का हमें करेक्शन देखने को मिला था दोस्तों, लेकिन इस स्टॉक में कोई खास करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बात करें पिछले वन मंथ का तब देख सकते हो कि पिछले वन मंथ में इस स्टॉक में लगभग हमें 5% के आसपास में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। वही बात करेंगे पिछले वन मंथ का तब देख सकते हो, पिछले सिक्स मंथ का तब देख सकते हो, पिछले सिक्स मंथ में इस स्टॉक में लगभग हमें 10% के आसपास में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। वहीं बात करेंगे पिछले एक साल की तब देख सकते हो कि पिछले एक साल में भी इस स्टॉक में लगभग 46% से अबव का रिटर्न, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, जैकपॉट की तरह रिटर्न दे दिया है दोस्तों। और स्टॉक जैकपॉट ही है। अगर मैं इसका मैक्सिमम डे की चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 सालों का चार्ट पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक का हमें चार्ट पैटर्न आगे की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रिटर्न का तो पिछले 5 साल में इस स्टॉक में 337% से अबव का रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वही बात करेंगे इसका मैक्सिमम डे की चार्ट पैटर्न का, आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक की चार्ट पैटर्न हमें कितना जबरदस्त तरीके से हमें अपर ट्रेंड में आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो स्टॉक अगले 5 साल में बात करते हैं स्टॉक की प्राइस हमें लगभग 4000 के आसपास में भी हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमें इस स्टॉक का हमें हिस्ट्री देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इसका हमें रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, हमेशा अपर ट्रेंड में ही स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो इसका बात करें मैक्सिमम डे की चार्ट पैटर्न का, आप लोग यहाँ पे लगभग 3000% के आसपास का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 50% से अबव का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से जंप देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के शेयर प्राइस में। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। वहीं बात करेंगे यहाँ पे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तब देख सकते हो कि स्टॉक लगभग 1000 रुपये के नीचे के स्तर पर ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, और वहां से स्टॉक लगभग लास्ट ईयर दिसंबर में ही स्टॉक लगभग 2650 का हाई बनाया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। आप देख सकते हो किस तरीके से इस स्टॉक के प्राइस में हमें जंप लगते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फेस वैल्यू का तो हमें 1 रुपये देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें अगर बात करें तो बहुत ही काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिला है नेट प्रॉफिट। लेकिन थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर हमें थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है, जो कि कोई खास नहीं है दोस्तों। वहीं बात करेंगे तो यहाँ पे 2021 की बात करते हैं, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दोस्तों एक बार कंपनी ने यहाँ पे 11 फेब को यहाँ पे अनाउंस किया था, जो कि 3 रुपये प्रति शेयर यहाँ पे देने का अनाउंस किया था दोस्तों। तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर का, तो यहाँ पे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग की बात करें तो लगभग 47% के अराउंड में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो हमें कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक अगले 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न देने वाला है। वैसे बात करें तो स्टॉक बहुत ही हमें अच्छा खासा लगता है, आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। वहीं बात करेंगे इसका रिजर्वेशन सरप्लस का, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास अगर रिजर्वेशन सरप्लस की बात करें तो यहाँ पे एवरी ईयर कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पर रिजर्वेशन सरप्लस शो करता है, और यहाँ पर देख सकते हो कि कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे कोई खास नहीं है, लगभग 400 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये फिगर दोस्तों करोड़ों में है।
वहीं बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 108 करोड़ के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिक्स एसेट भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और एवरी क्वार्टर एवरी ईयर जबरदस्त तरीके से इंक्रीमेंट के साथ में कंपनी ने शो करता है फिक्स एसेट भी। मैं यहाँ पे भी स्टार्ट करना चाहूंगा, तो स्टॉक मुझे काफी दमदार लग रहा है, आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो लगभग यहाँ पे 34,000 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे भी हमें ₹1 देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं सेक्टर के पी रेशियो की बात करेंगे, तो लगभग हमें 50 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स दिखाया था कंपनी ने, तो वो भी डेटा एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर का सेल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंक्रीमेंट के साथ ही देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर दोस्तों। और यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात करें एक्सपेंस का, तो कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सपेंस बुक किया दिसंबर क्वार्टर में, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे सेल्स की बात करें तो सेल्स काफी जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर में। वही बात करेंगे कि इस स्टॉक में FI की होल्डिंग कितना है, DI की होल्डिंग कितना है, वो भी डेटा एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की बात करें तो लगभग हमें 47% के अराउंड हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें FI की होल्डिंग की, लगभग हमें 19.5% से एबव का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूँगा दोस्तों। वहीं बात करेंगे DI की होल्डिंग की, तो लगभग 21% से एबव का होल्डिंग है, बहुत ही जबरदस्त है, मैं यहाँ पे भी स्टार देना चाहूँगा। और यहाँ पे बात करें पब्लिक का होल्डिंग की, तो लगभग हमें 12% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिला है। तो शेयर होल्डर पैटर्न हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, और स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है दोस्तों और फ्यूचर में भी होगा। अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार स्टॉक दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमें देखने को मिला था इसका 52 का हाई जो था 2650 का दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अगर इस चार्ट पे था एक बार अगर स्टॉक हमें 2650 को अगर क्रॉस करके आगे जाते हुए अगर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो इस लेवल को, तो स्टॉक हमें लगभग 3000 के आसपास में भी हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस तरीके से इसका हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से साबित होगा फ्यूचर में भी। अगर हम बात करें कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा और हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक के प्राइस कितना नीचे आ सकता है, तो इस प्राइस से बात करें तो हमें लगभग 2160 रुपये के आसपास का हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुनाफा देने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तक मेरे जो भी वीडियो है नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।